हर क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स को सीखने की ऐसी ललक लगी है कि उसने कई उपकरण तैयार कर दिए हैं। अब उस शख्स को प्रोजेक्ट सर के नाम से पहचाना जा रहा है। नमस्कार, मैं गोपाल तिवारी, प्रोजेक्ट सर हो रही। आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल तिवारी प्रोजेक्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को इस वीडियो में हम जो मॉस्किटो रैकेट होता है यानी मच्छर मारने वाला बल्ला, उसके बारे में पूर्ण रूप से इसकी जानकारी, ये कैसे काम करता है, इसमें ऐसा क्या होता है जो इतना हाई करंट जनरेट करता है, तो इस मच्छर मारने वाले बल्ले के बारे में हम पूरी नॉलेज देने जा रहे हैं इस वीडियो में। इसके पहले आप लोगों को बता दें, आज मेरा जन्मदिन है और इस जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम आप लोगों को इस बहुत ही अहम महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं और साथ में आप लोगों के आशीर्वाद की कामना करते हैं, आप लोगों के प्रेम की कामना करते हैं। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दें। मैं अपने चैनल पर आप लोगों को बहुत ही बढ़िया से बढ़िया जानकारी देता हूं। तो आज मेरा बर्थडे है, आज मेरा जन्मदिन, आप सब लोग मुझे आशीर्वाद दें, नमस्कार। तो आप लोग देखिए, ये एक मच्छर मारने वाला बल्ला होता है। जी हाँ, ये मच्छर मारने वाला बल्ला होता है और ये चाइना होता है। ये चाइनीज पैटर्न पर ये डिज़ाइन किया जाता है और इस चाइनीज पैटर्न के आधार पर इसकी जो कैपेसिटी होती है वो बिल्कुल ज़ीरो बैलेंस में होती है। ना तो इसकी कोई गारंटी होती है और ना ही ये ड्यूरेबल होता है, कब तक चलेगा नहीं चलेगा। तो आप लोग इस मच्छर मारने बल्ले की कंडीशन देख रहे हैं, बिल्कुल ख़राब सा, एकदम बेकार की स्थिति में है। तो आज हमने काफ़ी समय से प्रयास करने के बाद में, वैसे इस मच्छर मारने वाले बल्ले में आमतौर पर यदि बैटरी ख़राब हो तो आप लोग बैटरी इसकी चेंज कर सकते हैं, इसकी बैटरी होती है, ये चेंज कर लेंगे आप। यदि इसका ये ट्रांजिस्टर्स ख़राब हो, ये लगा हुआ है, तो ये आप चेंज कर लेंगे। बाय द वे, कभी अगर आपका इसकी जो कॉइल होती है वो ख़राब हो जाए, यदि इसकी कॉइल ख़राब हो जाए, ये देखिए, ये इसकी बूस्ट कॉइल होती है या हम लोग इसको ट्रांसफार्मर भी कह सकते हैं, यदि ये ख़राब हो जाए तो ये बल्ला कभी ना बनने की स्थिति में हो जाता है, क्योंकि इसमें इतना पतला तार होता है, इतना पतला तार होता है, 42-43 नंबर इसमें तार होता है। वह तार जो दीवार घड़ियों में क्लॉक, जो दीवार की घड़ियाँ होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक घड़ियाँ होती हैं, उनकी एक कॉइल होती है इंडक्शन कॉइल, उसमें लगाया जाता है। यानी उस तार को यदि हम हाथ से पकड़ेंगे तो वो बार बार टूटेगा, बहुत ही पतला तार होता है। कहने का मतलब, उसको हम इसको भर ही नहीं सकते। तो कंपनी कैसे डिजाइन करती है, क्या करती है, चाइनीज आइटम है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन ये अगर आपका ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाए तो ये गारंटी, ये बल्ला कभी भी चालू नहीं हो सकता है। कभी कभार आपने देखा होगा किसी भी मच्छर मारने बल्ले में हम बटन को दबाते हैं, ये वाले जो रेड बटन लगा है, इस बटन को पुश करते हैं, पुश करने के बाद में ये इंडिकेटर आपका जलता है, ये इंडिकेटर आपका जलता है और आपका मच्छर नहीं मरता, यानी कि मतलब ये करंट जनरेट नहीं करता है। तो ऐसे हालात में हमारा केंद्र बिंदु जाता है कि हमारा ये जो कॉइल है, ये कॉइल हमारी ख़राब हो चुकी है। और कॉइल ख़राब होने का मतलब ये कॉइल कहीं मिलती नहीं है, ठीक है। कभी कभार आपका ऐसे करंट तो आपका बताएगा और आपका इंडिकेटर भी ऑन होगा, सब कुछ ऑन होगा, लेकिन ये क्या है कि आपका मच्छर नहीं मरेगा इसमें। तो मच्छर नहीं मरेगा तो ये मान लो कि इसकी ये कॉइल ख़राब हो चुकी है। तो ऐसे हालात में ऐसे ही बल्ब जल रहा, देखो दिख रहा आप लोगों, तो ऐसे बल्ब जलता है। लेकिन जाली होती है जो इसकी मच्छर वाली, जो जाली होती है, ये जाली पर करंट नहीं आता है। तो इस हालात में यदि जाली पर करंट ना आए तो ये संभव है कि आपका ये जो ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर आपका ख़राब हो चुका है, ये वाला। तो काफ़ी समय से प्रयास करने के बाद में हमने इस मच्छर मारने वाले बल्ले पर कामयाबी हासिल कर ली है। 100% हमने इस ट्रांसफार्मर को डिजाइन करके और मॉडिफाई कर दिया है।
यह ट्रांसफार्मर हमने कैसे डिजाइन किया है? आप लोगों के घर में DDH होती हैं, DD डायरेक्ट फ्री वाला चैनल वाला बॉक्स होता है, तो इस बॉक्स में एक ट्रांसफार्मर लगता है यहाँ, ठीक है, एक ट्रांसफार्मर लगा जाता है। कई लोग उसको SM ट्रांसफार्मर बोलते हैं, डायवर्ट ट्रांसफार्मर कुछ भी कह सकते हैं, एक ट्रांसफार्मर लगा जाता है। तो इस ट्रांसफार्मर में हमने इसको मॉडिफाई किया है और मॉडिफाई करने के बाद में ये बिल्कुल परफेक्ट बढ़िया काम करने लगा है, ये देखिए आप लोग, ठीक है। अब इस ट्रांसफार्मर को हमने कैसे मॉडिफाई किया है इसके बारे में हम आपको पूर्ण नॉलेज देने जा रहे हैं। देखो, आम तौर पर आप लोगों ने देखा होगा कि किसी भी बूस्ट करंट को हम जनरेट करते हैं तो कोई भी ट्रांजिस्टर आउटपुट में लगा जाता है, उसके हम कलेक्टर की सीरीज से वाइंडिंग को हम कनेक्ट करते हैं। लेकिन इस मच्छर मारने वाले बल्ले में उल्टा है, इसमें कलेक्टर वाली जो वाइंडिंग है सीधा आपके बैटरी के प्लस पॉइंट पर जाती है, बैटरी का जो प्लस पॉइंट है इस पर जाती है, प्लस वाले पे। इसका जो माइनस है, ये माइनस इसका कॉइल के माध्यम से, ये जो कॉइल लगी है यहाँ पर, कॉइल के माध्यम से ट्रांजिस्टर के एमीटर पर जाता है। ये जो ट्रांजिस्टर का एमीटर है, बेस एमीटर कलेक्टर ट्रांजिस्टर में 3 पॉइंट होते हैं, तो ये ट्रांजिस्टर के एमीटर पर कॉइल के माध्यम से जाता है। और इसका जो बेस है, ये बेस 2.2 के या 3.3 के की रेजिस्टेंस के साथ मेन सप्लाई से, यानी कि कलेक्टर की वाइंडिंग सप्लाई से जोड़ दी जाती है। तो इस सर्किट में ऐसा क्या है कि ये इतना हाई करंट जनरेट करता है? तो इस सर्किट की मेन विशेषता ये है, इसमें आप जो देख रहे हैं ये डायोड लगे हुए हैं, ठीक है, ये डायोड आपके लगे हैं R4000F, यानी R4000F जो डायोड लगा हुआ, ये एक ऐसा रेक्टिफायर है जो आपका 4000-5000 वोल्ट तक वर्क करता है। तो इसमें जो बूस्ट कैपेसिटर में जो बूस्ट करंट जनरेट होता है कॉइल में, ये कॉइल का करंट इस डायोड के द्वारा आउटपुट किया जाता है। और आउटपुट करने के बाद में इसमें देख रहे हैं आप PF लगे हुए हैं 1K, ये लिखा है 1K, ठीक है, 1K 3000 वोल्ट, ये भी आपका 1K 3000 वोल्ट का। और लास्ट में जो करंट आपका भरता है इस कॉइल में, इसमें जो कैपेसिटर लगा हुआ रेड कलर का, ये आपका 220J 2000 वोल्ट। तो आप समझ लीजिए इस बात को कि इसमें 223J 2000 वोल्ट। तो इसमें आउटपुट में जो कैपेसिटर लगाया गया है हाई पावर का, तो 223J 2000 वोल्ट का लगाया जाता है। तो इस ट्रांसफार्मर से, जो हम ट्रांसफार्मर आपको दिखा रहे हैं डाइवर SM ट्रांसफार्मर, इस ट्रांसफार्मर से सेकेंडरी में जो करंट जनरेट होता है वो हाई वोल्ट करंट होता है। ये करंट डायोड के द्वारा फिल्टर करके DC बनाया जाता है, और DC बनाने के बाद में आउटपुट में सीरीज में, यानी जो आउटपुट के जो सीरीज है, इसमें आपका 1K 3000 वोल्ट के दो आपके PF लगे हुए, और आउटपुट में पैलर में, यानी पैलर का मतलब प्लस माइनस में, आपका 223J और 2000 वोल्ट का आपका AC कैपेसिटर लगा हुआ है। तो AC कैपेसिटर ये क्या करता है, अपने अंदर इतना करंट स्टोर्स कर लेता है, और जैसे ही दोनों जाली के बीच में, एक ये जाली है, इसका जो कनेक्शन दिया जाता है ऊपर की जाली का ऊपर से, नीचे की नीचे से दिया जाता है, तो जैसे ही ये जाली के बीच में कोई भी कीट पतंगा आता है, तो 2000 वोल्ट का जो करंट इस कैपेसिटर में स्टोर हो जाता है, वो करंट क्विकली यानी अचानक शॉर्ट करता है, और वो दीमक है, मक्खी है, मच्छर आराम से उसमें चिपक जाते हैं और भुन जाते हैं। तो अभी कभी देखा आपने इस बल्ले को इस्तेमाल करते चटपट चटपट चना भुंजने जैसी आवाज़ आती है, तो ये वो करंट, वही करंट होता है हाई बूस्ट का, जो इस कैपेसिटर में भर जाता है, जिससे मच्छर, मक्खी, दीमक आदि की हल्के पतंगे, कीड़े, ये आपके भुन जाते हैं। तो इस करंट को जनरेट करने के लिए इस कॉइल का प्रयोग किया जाता है। यदि ये कॉइल ख़राब हो जाए तो आपका ये मच्छर मारने वाला बल्ला बिल्कुल यूजलेस, बेकार हो जाएगा। इसकी कंडीशन आप लोग देख रहे हैं, अभी तक हमने इसका कोई समाधान नहीं निकाल पाया था। इस चक्कर में तमाम ऐसे बल्ले हमारे यहाँ आते हैं, सर्विस सेंटर पर आते हैं हमारे यहाँ, तो हम उनको रिटर्न कर देते हैं, भैया इसका बूस्ट ड्राइवर ट्रांसफार्मर इसका ख़राब है, और वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। कंपनी एक ही बनाती है जो सर्किट में अपना खुद के लगा के देती है, क्योंकि चाइनीज है, चाइनीज में एक ही बनता है, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर है, ये बूस्ट ट्रांसफार्मर 30-35 रुपये का है, और एक बूस्ट ट्रांसफार्मर के ही द्वारा ये पूरी सर्किट ऑपरेट होती है,
तभी ये आपका बल्ला काम करता। यदि ये ट्रांसफार्मर ना मिले तो ये बल्ला पूरा बेकार हो जाता है। तो कंपनी क्या करती, कोई ऐसा पार्ट्स नहीं बनाती है मार्केट में बेचने के लिए कि जिससे ये ट्रांसफार्मर मार्केट में अवेलेबल हो सके। तो ये क्या करती है कि इसको पूरा ही खरीदा जाता है। तो आप देखिए, जब हमने इसका निर्माण कर लिया, इसका हमने खोज कर ली, इसकी खुद हमने ड्राइवर तैयार किया है, तो ड्राइवर तैयार करने के बाद में फिर हमने ढूंढना शुरू किया, तो हमें एक अपने वेस्टर्न मटेरियल में ये देखिए बल्ला मिल गया। इसको हम आपको खोल के दिखाते हैं। इस बल्ले में यही सर्किट लगी हुई थी, बिल्कुल यही सेम सर्किट लगी हुई थी। इसका जो पहले वाला बूट कैपेसिटर है, सॉरी बूट ट्रांसफार्मर, ये ख़राब था। अब इसको हम खोल के दिखाएंगे आपको। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब कहीं ऐसी कोई स्थिति नहीं आनी है। अब कोई भी आपका मच्छर मारने वाला बल्ला हो, आपका बड़े आराम से रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि मेन प्रॉब्लम होती है ट्रांसफार्मर की, जो बूस्ट ट्रांसफार्मर होता है जो हाई करंट जनरेट करता है, वो ना मिलने के कारण बल्लों की रिपेयरिंग बेकार हो गई थी। ट्रांजिस्टर मार्केट में मिल जाएंगे सारी सर्किटें। ये देखिए, ये सर्किट इसी की निकली हुई है, इसी से ये सर्किट निकली थी। ये आउटपुट का आपका ग्राफ है, इसमें लीड लगती है, ये इसी में लगाया गया था, इसी की पूरी निकली हुई ये सर्किट है, ये देखिए। तो कहने का मेरा मतलब है कि अब कहीं कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि आपका जो बल्ला रिपेयर ना हो सके, अब इसको आराम से रिपेयर करिए, देखिए ठीक है। तो इसी का पूरा सर्किट निकला हुआ है, ये पूरा डैमेज था, अब हमने इसको निकाला और ये हमारा रिपेयर हो गया है। तो रिपेयर करने के बाद में हम आपको इसको चेक कराएं, ये इसकी बैटरी है, और जैसी बैटरी में प्लस माइनस के टर्मिनल जोड़ेंगे, देखना आप, इसको चालू करके दिखाते हैं आप लोगों को। तो इस सर्किट में हमने बैटरी को कनेक्ट कर दिया है, माइनस प्लस हमने इसमें लगा दिया है। अब जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे स्विच को, स्टैंड बाई स्विच होता है, ऐसे हमारा ऑन हो गया, ये देखिए ऑन हो रहा है, आपका रेड ऑन हो रहा। और जैसे ही हम आउटपुट को टकराएंगे तो हमारा करंट जनरेट हो जाएगा, ये देखना आप, देखा आप लोग। तो मेरा कहने का मतलब है ये ट्रांसफार्मर पूर्ण रूप से काम करने लगा है, ये देखिए, ये देखिए आप लोग, जो आप चट-चट की आवाज़ देख रहे हैं, ये चट-चट की वही आवाज़ है कि ये कंडेंसर इतना ज़्यादा चार्ज हो जाता है, 2000 वोल्ट एसी अपने के अंदर ये रख लेता है, डोनेट नहीं करता है, ये स्टोर कर लेता है 2000 वोल्ट एसी। जब हम इसको आउटपुट वायर को टकराते हैं तो एकदम करेंटली ये शॉर्ट करता है, ये देखिए आप, देखिए देखिए आप, देखिए देखा आप लोगों ने। तो ये पूर्ण रूप से हमारा मदरबोर्ड सर्किट काम करने लगा है। अब इस ट्रांसफार्मर की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, हम अपना बूस्ट ट्रांसफार्मर खुद डिजाइन कर रहे हैं। तो इस बूस्ट ट्रांसफार्मर को डिजाइन करने के लिए आपको थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ेगा। इसका जो एमीटर वाइंडिंग है, वो एमीटर वाइंडिंग आपको पहले डायरेक्ट एमीटर को एक बार एमीटर को देना, दूसरा सर इसमें आपको माइनस को देना है, कलेक्टर को सीधा जाएगा, और कलेक्टर से वेस्ट बायसिंग होती हुई आपका 3 के की रेजिस्टेंस से आपके इस ट्रांजिस्टर के बेस से जुड़ जाएगा। तो देखिए आप लोग, बेकार के पड़े हुए मच्छर मारने बल्ले को हमने रिपेयर कर दिया और बढ़िया पूर्ण रूप से ये रिपेयर हो चुका है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं आनी है कि हमारा मच्छर मारने वाला बल्ला ना बने। मेन प्रॉब्लम इस ट्रांसफार्मर की हुआ करती थी, इस ट्रांसफार्मर को हमने डिजाइन कर लिया, आज बहुत बड़ी हमने कामयाबी हासिल कर ली है। आप सब लोगों का आशीर्वाद है मेरे साथ में, मेरा बर्थडे है, जन्मदिन है, आप लोगों का हम प्रेम और आशीर्वाद का बहुत ही मनोकामना दिल से चाहते हैं। मैं गोपाल तिवारी, प्रोजेक्ट सर उड़ई, आप सभी लोगों को नमस्कार करते हैं, नमस्कार।